तो सरकार में है, मगर अब क्या करें जब कार्यकर्ता लोग मर रहे हैं, वो आके अपना ले चले जा रहे हैं, बताओ हम लोग क्या करेंगे यहाँ बैठ के। विकास हुआ कि नहीं इस क्षेत्र में आपका सही बताया? नहीं हुआ विकास, नहीं हुआ। अच्छा 400 पार बीजेपी का रही है, कोई विकास ही नहीं हुआ हमारे जिले में। यहाँ सांसद नहीं आते हैं? नहीं, 5 साल में कोई बार नहीं आया? एक बार भी नहीं, कोई झाक नहीं आया। मर रहे हो, जी रहे हो, खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, तो उन्हीं को चुन के भाई संसद पहुँचाए तो आना चाहिए। चल रहे नहीं आते हैं भाई, वोट लेना होता हाजुर नहीं आ जाते हैं। सही बता रहे हैं, सांसद जी नजर आते हैं कभी? कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं, 5 साल में कभी नजर नहीं आया? कभी नहीं। विकास अब तो वोट मांगने प्रति के गए, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद पता नहीं रहता किसी का भी, सांसद जी का नहीं पता, किसी का भी नहीं पता यहाँ कोई विकास। बताइए, बढ़ते तापमान के साथ देश की राजनीति भी गर्म है। औपचारिकताओं के लिए मेरा नाम निहाल सिंह और इस वक्त हम है संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर। तो एक बड़ी चर्चाएं हो जाती हैं कि सांसद प्रवीण निषाद बीते दिनों कहीं ना कहीं अपने पिता यानी संजय निषाद कैबिनेट मंत्री के साथ थे, तो एक बड़ी चीज़ें देखने को मिली थी। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि चुनावी माहौल में इनके मन में कौन बस रहा है। प्रवीण निषाद, मोदी जी, किसके ऊपर ये विश्वास करते हैं आज समाजवादी पार्टी, उनसे बात करने चाहिए। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? क्या नाम पड़ेगा? संतराम। क्या लगा था मोदी जी को वोट देंगे या फिर विपक्ष को, इस बार किसको वोट देना? अरे भाई या बहन, मोदी जी को वोट दिया होगा क्या? विकास भैल बा मोदी जी में? हाँ, विकास भैल बा के नाम विकास भैल भैल। हाँ भैल, ये बताओ जा महंगाई का कहाल है? महंगाई तो मतलब महंगाई बहुत। अच्छा सांसद जी आपके प्रवीण निषाद हो? प्रवीण निषाद सांसद हो ना? हाँ। नजर आवे लगना है क्षेत्र में? अरे अब कहाँ कहाँ की खोजत में देखत बा, नजर नहीं आवे नहीं। हाँ, तो 5 साल में ना करेंगे ना? लोग से बात कर जाते हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, लोग बैठे हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? जयश्री। जयश्री जयसवाल। अच्छा क्या लगता है सांसद जी आपके प्रवीण निषाद है ना? यहाँ से प्रवीण निषाद है, यहाँ पे क्षेत्र में कोई घूमते भी नहीं है, जब चुनाव आता है तभी आते हैं क्षेत्र में, उसके पहले दिखाई भी नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देते हैं? नहीं। विकास हुआ नहीं क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ विकास यहाँ, कुछ नहीं। अब तो वोट मांगने फिर आ रहे होंगे, तो कहाँ वोट पाएंगे वो? नहीं पाएंगे। किसकी सीट निकल रही है यहाँ अभी? जिसकी सीट निकल जाए भाई, सरकार उनकी है तो सीट दूसरे की निकलनी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार का ही तो चुनाव है भाई। तो सही है तो हम भी तो सरकार में है, मगर अब क्या करें जब कार्यकर्ता लोग मर रहे हैं, वो आके अपना लेके चले जा रहे हैं, बताओ हम लोग क्या करेंगे यहाँ बैठ के। विकास हुआ है कि नहीं इस क्षेत्र में आपका, सही बताया? नहीं हुआ विकास, नहीं हुआ। अच्छा 400 पार बीजेपी का रही है, कोई विकास ही नहीं हुआ हमारे जिले में यहाँ, नहीं हुआ है। सांसद जी कभी नजर नहीं आया आपके? नहीं नहीं। अभी आए कि नहीं दरक को बात? अभी एक बार भी यहाँ नहीं रुके हैं। अब तो आएंगे वोट मांगने, क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, उनसे बात करेंगे तभी ना कोई काम करेंगे आगे। फोटवा किधर जाएगा? हमारा तो जाएगा उन्हीं की तरफ। लग रहा मोदी जी के नाम पे देंगे और क्या, मोदी ही के नाम का चल रहा सारा कार्यक्रम। सांसद लोग नहीं कर रहे कुछ का? नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जयश्री जयसवाल। क्या लगता है सांसद जी प्रवीण निषाद हैं, कभी नजर आते हैं? नहीं नहीं नहीं। 5 साल में कभी नहीं आए? एक को बार नहीं आए। रोड नाली सड़क ये सब कुछ बना होना? कुछ नहीं बना। हमारे गांव के सब जाम हुआ है। हाँ। और कोई प्रधान भी नहीं काम कर रहा है कि केवल काम केवल अपना ही पैसा निकालने के काम कर रहा है वो। महंगाई क्या हाल है? महंगाई तो बहुत ज्यादा सर। महंगाई बहुत ज्यादा है, ये महंगाई में कि सामान नहीं ले पा रहे खाने पीने के लिए। राशन उसे मिलता है नहीं सर? मोदी जी राशन तो मिलता है, अंगूठा से नहीं काम चलेगा। 5 किलो राशन पे? अच्छा विपक्ष कर रहा है 5 किलो राशन पे बीजेपी बाल आ रही है। नहीं तो राशन से काम चल जाएगा तब पब्लिक मर जाएगी। 5 किलो राशन देने से सबका पेट भर जाएगा। वोट और अच्छा रोजगार बेरोजगारी की बात बड़ा बीजेपी कहती है? रोजगारी तो बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है जी। आपको क्या लगता है भैया? नहीं सही बोल रहे हैं जो। अच्छा स्थानीय तौर पे भैया बता रहे कि उनके गांव में तो नाली है जाम है, आपके गांव में नाली है कि नहीं है? हमारे गांव के ही आदमी है। अच्छा, हम दोनों पड़ेदार हैं, सगे भाई हैं। तो आपके वहाँ भी विकास नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। तो सांसद जी कभी नजर नहीं आए? नहीं आए। केरमुआ माफी गाँव है? केरमुआ माफी गाँव है। और भी लोग हैं, एक बार हम कोशिश करेंगे कि एक दो लोगों से और बातचीत हो जाए। भैया काम करें लेकिन इस काम के बीच में बात करना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? क्या लगता है विकास हुआ है? भैया अभी तक कोई कोई मालूम नहीं है कुछ भी, सही बता रहे हैं। सांसद जी नजर आते हैं कभी? कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। 5 साल में कभी नजर नहीं आया? कभी नहीं। विकास अब तो वोट मांगने प्रति के गए, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद पता नहीं रहता किसी का भी, सांसद जी का नहीं पता, किसी का भी नहीं पता यहाँ कोई विकास। बताइए आप ही देख लीजिए, आप बताइए, आप स्थानीय तौर पर रहने वाले हैं? हम हमारा घर ही यहीं पर है, हम भैया बराबर रहने वाले हैं, बराबर के रहने वाले हैं यहाँ। विकास नहीं हुआ, महंगाई का हाल है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा सीमा से बाहर है। भैया यहीं रहने वाले हैं? हाँ भैया। क्या लगता है विकास हुआ कि नहीं आपका? विकास हुआ है। सांसद जी किए हैं कि मोदी जी किए हैं? मोदी जी किए हैं। सांसद जी नहीं किए हैं? मोदी जी किए हैं। सांसद जी? सांसद जी किए हैं। कभी नजर आते हैं नहीं सांसद जी? लोग कह रहे हैं सांसद जी नजर नहीं आते हैं। आते हैं कभी काल, आते हैं इधर कभी कभार आते हैं। भैया तो बता रहे हैं सांसद जी कभी कभार नजर आ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ कम रोड पर तो सभी कोई आएगा भैया, देहात में कोई जाता है तभी आते हैं। तभी तो आप ही कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
सब आते हैं तो गांव गांव नहीं घूमते हैं ना, गांव में नहीं। अरे पाँच साल में एक बार नहीं गए, कब वो नहीं आते हैं। क्या कहा था भैया, क्या कर रहे हैं? हाँ बताइए, अभी तो कर दे सांसद जी नजर आ जाते हैं कभी कभार, कभी काल या रोड पर कहीं आ जाते तो आ जाते हैं। हाँ, गाँव में आपकी समस्या सुनने नहीं है? नहीं। विकास विकास कैसा हुआ है गाँव में? विकास हुआ है, रोड नाली सड़क, हाँ सब कुछ हुआ है। चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। भैया यहीं के रहने वाले हैं अभी? हाँ यहीं के रहने वाले। क्या भाई विकास विकास भाई नहीं है? अरे भैया जो हो रहा बढ़िया, हम लोग दिन रात मजदूरी करना खाना है। अरे तो वोटवा देना है कि नहीं देना है? जिसको इच्छा करेगा उसको देंगे विकास। अच्छा सांसद जी पहले बताइए, सांसद जी की बात चले, सांसद जी आते हैं कि नहीं? कोई नहीं आता है। सांसद जी नहीं आते हैं? नहीं। पाँच साल में एक बार नहीं आया? एक बार भी नहीं, कोई झाँक नहीं आया। मर रहे हो जी रहे हो कि खा रहे हो नहीं खा रहे हो? आप तो उन्हीं को चुन के भाई संसद पहुँचाएं तो आना चाहिए। हाल चाल नहीं आते हैं भाई, वोट लेना होता हाथ जोड़ने आ जाते हैं। वोट लेने आते तो आप क्यों कुछ कुछ कहेंगे आप सांसद जी से अपने? आएंगे तो जरूर सवाल जवाब। क्या कहेंगे कुछ बताएं? कुछ ना कुछ तो कहा ही जाएगा। हो सकता है सुन के आ जाएं आपसे मिलने। आएंगे तो उनसे विकास के लिए आगे कहा जाएगा, विकास के बारे में कहेंगे, विकास नहीं किया। हाँ भाई रोजी रोजगार ही दो, मजदूर बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई कहा? महंगाई भैया जहाँ वहाँ ठीक है, मजदूरी तो हम लोग करना खाना, चाहे महंगाई हो या सस्ता हो मजदूरी करेंगे तभी खाएंगे, तभी खाएंगे। सांसद जी की बात चल रही थी, ये संत कबीर नगर जिला है और लोकसभा सीट भी संत कबीर नगर है। समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है, तो वोट भैया किधर जाएगा? एक आखिरी सवाल भैया, जो ही अच्छा काम करेगा उसी के पास जाएगा भैया। मोदी जी अच्छा काम किए हैं नहीं किए हैं ये बात नहीं है, दिया जाएगा उन्हीं को वोट पर दिया जाएगा, वही बिरादरी है मोदी जी के, उन्हीं को दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी? कोई पार्टी नहीं देखती हूँ, पार्टी नहीं देखा जा, अभी कोई पार्टी नहीं देखा जा रहा। समाजवादी पार्टी नहीं? वो भी नहीं अभी आ रहा है। मोदी जी को यानी वोट देंगे? मोदी लोग तो मोदी अब देंगे हम लोग, मोदी के नाम पे वोट। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है किसी निषाद पार्टी के गठबंधन में बीजेपी के हैं और उनके खाते में ये सीट है प्रवीण निषाद, भारतीय जनता पार्टी के निषाद पार्टी के सिंबल से उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे और चर्चाओं में बन जाती है क्योंकि लोग कह रहे थे कि सांसद जी यहाँ नजर नहीं आते हैं, तो यहाँ की बातें हमने लोगों के मन से टटोलने की कोशिश की। ग्रामीण क्षेत्र है संत कबीर नगर का और ग्रामीण क्षेत्र में हमने कोशिश की कि लोगों के मनों को टटोले, लोगों से समझे क्या कुछ माहौल है, तो लोगों ने स्पष्ट किया कि इस बार किस